स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुपर संडे में पहला मुकाबला था रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बैंगलोर वर्सेस गुजरात टाइटंस अहमदाबाद में। जी हाँ, यहाँ पे मुकाबला आरसीबी ने जीता क्योंकि चेज करते हुए द चेज मास्टर विराट कोहली सामने थे और आरसीबी ये मुकाबला ना जीतती ऐसा कैसे हो सकता है। गुजरात के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं लेकिन आरसीबी प्लेऑफ की रेस में आगे जाती जा रही है। हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किल है कि अगले चार मुकाबलों में चारों जीतना क्योंकि अभी 10 मुकाबलों में आरसीबी की सिर्फ 3 जीत है जिसकी बदौलत वो अभी भी पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे हैं। लेकिन यहां से प्लेऑफ की जो रेस है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। विराट कोहली ने मैच जिताया, विल जैक्स ने मैच जिताया लेकिन विराट कोहली ने मैच जिताने के बाद अपने स्टेटमेंट से हेटर्स का मुंह बंद कर दिया या फिर ये कह लीजिए विराट कोहली ने अहंकार दिखाया और हो सकता है ये अहंकार कहीं ना कहीं विराट कोहली के अगेंस्ट ना चला जाए क्योंकि ऐसी बातें विराट कोहली को बहुत ज्यादा ट्रोल करती हैं। और लगातार आप देखें कि एक जो मैच उन्होंने पहले भी जिताया था तब भी उन्होंने ये बात करी थी कि मैं वर्ल्ड कप में क्यों नहीं, मैं वर्ल्ड कप को विदेश में प्रमोट करता हूं, ऐसा है वैसा है, ये सारी चीजें बात करी थी क्योंकि वर्ल्ड कप में विराट कोहली की पोजीशन को लेकर, प्लेइंग 11 में उनकी जगह को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे थे। लेकिन आज भी देखिए उनकी पारी जो आई वो भी बहुत बेहतरीन थी। चेजिंग साइड में अगर बात करें विराट कोहली पावर प्ले में थोड़ा स्लो नजर आ रहे थे लेकिन बाद में उन्होंने अपनी इनिंग को एक्सेलेट करा। विल जैक्स थोड़े से फंस रहे थे लेकिन विल जैक्स को उन्होंने गाइड किया, उसके बाद विल जैक्स ने पावर हिटिंग स्टार्ट करी और विराट ने एंकर किया। विराट कोहली के जो रन्स थे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी थे क्योंकि विराट कोहली चेजिंग में माने जाते हैं भाई, चेज मास्टर, और जब सामने विराट कोहली खड़े रहते हैं और सामने जो दूसरा बैटर होता है तो उसको कॉन्फिडेंस भी मिलता है, ये सारी चीजें थी। बट विराट कोहली ने मैच जीतने के बाद एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बवाल हो गया क्योंकि विराट ने 44 गेंद में 70 रन की पारी जो खेली लेकिन जीतने के बाद उनका जो स्टेटमेंट था वो मैं आपको बताता हूं और उसके बाद हिंदी में भी इसका अनुवाद मैं बताऊंगा आपको। विराट ने बोला, ऑल पीपल हु टॉक अबाउट द स्ट्राइक रेट्स एंड मी नॉट प्लेइंग स्पिन वेल टॉक अबाउट दीज थिंग्स, इट्स जस्ट अबाउट डूइंग माई जॉब, इट्स काइंड ऑफ मसल मेमोरी फॉर मी नाउ। मतलब ये है कि जो लोग मेरे लिए स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, जो मेरे स्ट्राइक रेट पे सवाल उठाते हैं और ये कहते हैं कि मैं स्पिन को बैटर नहीं खेलता, मैं उन पे ध्यान नहीं देता, मैं अपनी जो मेरा काम है मैं उस पे फोकस करता हूं और ये मेरे लिए मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि मैं इन सब चीज़ों को परवाह नहीं करता, ध्यान नहीं देता, मेरा जो फोकस है कि भाई टीम को जिताना, रन्स बनाना। और स्टैट्स को लेकर बोला कि भाई स्टैट्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं माननी चाहिए, तो इस पे बहुत ज़्यादा ट्रोल हो गए विराट कोहली। लेकिन विराट कोहली को ये समझना पड़ेगा कि भाई स्टैट्स ही आपको बड़ा प्लेयर बनाते हैं और आपकी ये ऐसी स्टेटमेंट आपको सवालों के घेरे में डालती है क्योंकि वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा विराट कोहली की जो जगह है उसको लेकर बहुत ज़्यादा सवाल है। आपको पता है कि वर्ल्ड कप का साल है और आईपीएल के जस्ट बाद 2024 T20 वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है जिसके लिए एक या दो दिन के अंदर स्क्वाड का भी अनाउंसमेंट होगा और उसमें आप देखेंगे विराट कोहली तो रहेंगे, बट सवाल ये है कि विराट कोहली के रहने से एक यंगस्टर्स की या दो यंगस्टर्स की जगह खतरे में आ सकती है या फिर आप ये बोले कि यशस्वी जायसवाल की और रिंकू सिंह की जगह खतरे में आ सकती है। फिलहाल आप इस स्टेटमेंट से कितना जिसे बोले कि सहमत है जो विराट कोहली ने स्टेटमेंट दिया क्योंकि आज भी हमने देखा कि मैदान पर बहुत ज़्यादा एनिमेटेड विराट कोहली नजर आए। जब शाहरुख खान आउट हुए, जब सिराज ने उनको बोल्ड मारा तब उन्होंने उनको ऐसे करके सेंड ऑफ किया और जो भी वो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, बेन स्टोक्स को जो ये याद करते हैं, वैसी चीज़ें मैदान पे आई थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। मोहित शर्मा की पिटाई हो रही थी तो मोहित शर्मा की तरफ उन्होंने जो रिएक्ट किया वो बहुत ही ज़्यादा खराब लग रहा था क्योंकि विराट कोहली हालांकि जाने इसीलिए जाते हैं कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं, पम्प्ड अप रहते हैं अपनी टीम को जिताने के लिए, करें बट एक लिमिट तक करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब स्पोर्ट्स नाउ को नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिलहाल चलते हैं, जय हिंद जय भारत।